चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखे थे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसकी गिनती कैसे करनी है, उसका नाम कैसे लिखना है, इसकी जानकारी दी गई थी। और भी नाम होंगे, और भी नोमेनक्लेचर होगा। नोमेनक्लेचर का कोई अंत नहीं है, जितना बनाए बेहतर है। रूल जानते हैं तो सबका लिख सकते हैं। कुछ रूलों से आप वाकिफ़ हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो चैप्टर के साथ चलेंगे और एक्सरसाइज बनवाया जाएगा तो क्लियर होगा। क्योंकि पढ़ना और नियम जानना और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, तीनों में अंतर होता है। एक्सरसाइज में हो सकता है कि दो चार नोमेनक्लेचर आपसे फंसे, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो बता दिया जाएगा। दूसरा बात, अगर पिछला वीडियो छूटा हो तो डिस्क्रिप्शन में आज के ही डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिसको आप वॉच कर सकते हैं और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर हम एलिसाइक्लिक के साथ सोचें कि थोड़ा लंबे चेन की गिनती, छोटे चेन की गिनती कैसे की जाए, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें कि अगर कार्बन के साथ हम जैसे कि पहले पढ़े थे कि अगर हम लोग यहाँ पे OH लगाते हैं तो नाम के साथ OL जोड़ देते हैं। तीन कार्बन का प्रोपेन और OH है तो OL प्रोपेनॉल। अगर दो पे लगा होता तो टू प्रोपेनॉल। अगर हम इसको एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर देते हैं तो इसकी गिनती फिर इसको एक मान के करते हैं हम, और इसके साथ साथ हम लिख देते हैं वन प्रोपेनल, वन प्रोपेनल AL। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है भाई कि अल्कोहल भी अगर दिखाई देता है और इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, तो पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को पहले लिख देते हैं फिर OL जोड़ देते हैं। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले लिख देते हैं, लास्ट में AL जोड़ देते हैं। जैसे प्रैक्टिस कर लें एक बार। इसका नाम क्या होगा? थ्री नाइट्रो वन प्रोपेनल। इसका नाम क्या होगा? टू थ्री डाई ब्रोमो वन प्रोपेनॉल OL। दोनों का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे अगर ऐसा नाम आपको दिया जाए जैसे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मैंने दो एल्डिहाइड ग्रुप लगा के नामकरण बताया था, और यहां पे OH ग्रुप है और भी कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो अब ये कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि OH के लिए OL जोड़ें या एल्डिहाइड के लिए AL जोड़ें। तो ऑलरेडी एल्डिहाइड में कार्बन है, हम कार्बन में कार्बनिक यौगिक में कार्बन को ही गिनते हैं, कार्बन को ही कम अंक देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मान के गिनते हैं। तो यहाँ पे इसको कम अंक दे के गिनेंगे, लेकिन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसे स्थिति में OH का एक दूसरा नाम लिखा गया था, हाइड्रोक्सी। तो ऐसे स्थिति में अब OL जोड़ें कि AL जोड़ें, तो ये कन्फ्यूजन अब त्याग देंगे। अगर एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल हो तो इसे आप हाइड्रोक्सी बनाएंगे। तो हाइड्रोक्सी किसे लिखते हैं? H से। और B ब्रोमो किसे लिखते हैं? B से। तो पहले ब्रोमो को लिख दें, फोर ब्रोमो थ्री हाइड्रोक्सी और चार कार्बन का ब्यूटेनल। अगर आप वन ब्यूटेनल लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, फोर ब्रोमो थ्री अल वन ब्यूटेनल। तो इसमें हो सकता है राइटिंग स्किल के दौरान अगर गलती हो तो दोनों एल्डिहाइड पढ़ने को मिल जाए, इसलिए हम लोग इसको हाइड्रोक्सी बना देते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि अगर एसिड समूह हुआ तो इसके साथ भी अगर OH दिखाई दे तो ऐसे स्थिति में फिर हम ये सोचेंगे कि एसिड के लिए ओइक एसिड जोड़ें या अल्कोहल के लिए OL जोड़ें। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप का कंपेरिजन करेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इसमें कार्बन है, तो फिर हम इसको कम अंक देके गिनेंगे। चलो इसको एक हटा देते हैं, आपकी आसानी हो जाए, आप सीख लें, सारा रूल तो जानते हैं, बस ये मैटर फंसता है हाइड्रोक्सी का। तो आप पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को। बाय द वे यहाँ पे ब्रोमो के बजाय नाइट्रो होता, NO2, तब तो आपको पहले ABCD के अनुसार हाइड्रोक्सी लिखना पड़ता। तो दो पर हाइड्रोक्सी है तो टू हाइड्रोक्सी, थ्री नाइट्रो। अब लिखें आप
ब्यूटेनोइक एसिड, हो जाएगा। इसके साथ साथ कीटोन आए तो कीटोन के साथ भी हम इसे हाइड्रोक्सी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कीटोन के लिए आप सोचेंगे कि ओएनई जोड़ें या अल्कोहल के लिए ओएल जोड़ें, जैसे आप एक देख लें, मान लेते हैं कि यही कीटोन है। अब ये तो बात तय है कि इधर से गिनती होगी, अब इस पर हाइड्रोक्सी भी दिखाई दे आपको, तब क्या करेंगे, एमिनो भी दिखाई दे तब क्या करेंगे, तो इधर से गिन लेते हैं। अब सबसे पहले किसको लिखें, ये एमिनो है, ये हाइड्रोक्सी है, तो तीन पर एमिनो है तो थ्री एमिनो, वन हाइड्रोक्सी, और तब क्या लिखेंगे, टू ब्यूटानोन, हो गया कीटोन का नाम। लेकिन इसको क्या किया हमने, हाइड्रोक्सी बनाया, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं, अब देखिए दूसरा देखते हैं, लंबे चेन की गिनती। तो अगर कार्बन का ये कंपाउंड है, तो इसको हम लोग पेंटेन पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो हमने बोला था एक शब्द आपको कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल बनेगा। तो पहले सिंपली आप सीख लें कि अगर हम तीन कार्बन लगाते हैं तो ये प्रोपेन है, यहाँ पर सी एच थ्री लगा देते हैं तो अब ये मीथेन से मिथाइल हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें से कम है। पहले क्लास में भी बताया था कि एल्काइल कैसे बनता है, तो इसका नाम होगा टू मिथाइल प्रोपेन। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दें कि जैसे सी एच फोर है तो ये मिथेन है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो सी एच थ्री होगा, और बॉन्ड किसका कम होगा, कार्बन का, तो ये था एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो बना अल्काइल, तो मिथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये तो मिथेन है, अब इससे एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो मिथाइल बनेगा। अगर हम C2H6 लिखें तो ये इथेन है, लेकिन इसे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो इथाइल बनेगा। तो उसका सूत्र क्या होगा भाई, अनुसूत्र C2H5, और एक बॉन्ड कम हो जाएंगे किसके, कार्बन के। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम अभी इसी कार्बन को देख लें, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। हम पांच कार्बन लगा देते हैं और यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं, आप गिनिए भाई क्या गिनेंगे, तीन पर इथाइल है तो अब इसका नाम बदल जाएगा, थ्री इथाइल। और पांच कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, लिख सकते हैं ऐसा। और लेकिन अब ऐसा हो तो नाम क्या करें, अब सोचिए कि अगर हम एक ही कार्बन लगाते तब गिनती चेक करते हैं, एक दो तीन चार पांच पेंटेन, चौथे पर क्या लगा है, मिथाइल, नीचे लगा हो या ऊपर। लेकिन अब इसकी गिनती कहाँ से की जाए, तो यहाँ से करेंगे तो ये मिथाइल अब फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, चौथे कार्बन पे आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरे पर आएगा, नज़दीक इधर से पड़ेगा, इधर से तो दूर पड़ेगा, तो गिनती इधर से होगी और क्या लिखा जाएगा, टू मिथाइल पेंटेन, टू मिथाइल पेंटेन। लेकिन अब हम यहाँ पे कार्बन की संख्या दो कर देते हैं, अब पूछता हूँ कि गिनती क्या होगी, तो ध्यान दीजिए आप, अगर इधर से गिनते हैं सीधे चले गए तो ये छोटा चेन होगा, छोटा क्यों होगा उस पर ध्यान दें आप। अगर मेरी गिनती इधर से होती है तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन होगा। हमेशा लंबे चेन को गिनना है, छोटे चेन को नहीं गिनना है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे गिनती जा रही तो छः कार्बन हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो पाँच हो रहा है, तो गिनती तो छः का पकड़ना पड़ेगा। लंबा चेन गिनना है, छोटा चेन नहीं गिनना है। तो लंबा चेन गिनने के लिए अगर हम ऐसे छः पकड़ते हैं
तो ये मिथाइल को सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो कितने नंबर पर जाएगा? 1, 2, 3, 4 पे, क्योंकि मेरी गिनती नीचे जा रही है तो ये छूट रहा है, तो ये एक कार्बन निकला हुआ तो मिथाइल बन गया। तो कितने पर मिथाइल है? 4 पे। अगर गलती करेंगे तो क्या करेंगे? सीधे गिनती है 5 और 4 पर लग गया इथाइल, क्लियर। तो ऐसे स्थिति में लंबे चेन को गिनेंगे तो 4 पर है मिथाइल, तो भाई मिथाइल तो है, लेकिन अब 4 पर क्यों? ऐसे गिनेंगे तो आसान होगा, ऐसे गिनेंगे लंबे चेन को, 6 पूरा करेंगे तो तीसरे पर है मिथाइल, इधर से चल रहे तो चौथे पर है मिथाइल। तो कम अंक मिथाइल को कहाँ से मिल रहा है? नीचे से गिनने पर। तो नीचे से गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे तो गड़बड़ होगा, मिथाइल को ज़्यादा अंक मिल रहा है। तो अब इसका नाम क्या होगा? थ्री मिथाइल हेक्सेन, सॉरी, हाँ ठीक, क्लियर। फिर से ध्यान दें, अगर इधर से गिनेंगे नीचे आएंगे, ठीक है भाई, अपने लंबा चेन पकड़ लिया, लेकिन मिथाइल को कितना अंक मिलेगा? 4। और नीचे से गिन के इधर घूमते हैं, इधर तो घूम नहीं सकते, इधर घूमेंगे तो 4 ही कार्बन हुए, इधर घूमेंगे तो 6 हुआ, तो लंबा चेन गिनेंगे तो ऐसे आ गए तो 3 पड़ा मिथाइल को। तो बेहतर तो है कि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले, तो नीचे से गिनती शुरू कर दें। इसका और भी मिलेगा आपको, बताते हैं। अब देखिए, जैसा कि ऐसा भी होता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अब कोई ए लिख दे कहे इसका नाम क्या है, तो ये अंग्रेजी के अक्षर नहीं है, केमिस्ट्री के आधार पर इनका नामकरण किया जाएगा। तो जितने क्रॉसिंग हैं, जितने टर्निंग पॉइंट्स हैं, जितने स्टार्टिंग पॉइंट हैं, सब कार्बन है। अब जैसे देखिए, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कार्बन कितने हो गए? 4। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसकी बात कर लें, 1, 2, 3, 4, ये भी ब्यूटेन। इसका गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन। 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन, क्लियर। इसकी बात कर लें तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसको करें क्या। तो ध्यान दीजिए, एक संरचना तो ऐसा है, ये वाला, इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। और ऐसे जैसे ही आपने निकाला तो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। अब बाय द वे, अगर लेफ्ट टू राइट गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देंगे ना, तो एक कार्बन किस पर है? 1 पर। एक कार्बन किस पर है? 2 पर। और इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाना बना के देखना चाहते हो, ये संरचना है। आप कहिएगा कैसे गिन लें? नहीं, ये तो अलग स्ट्रक्चर है साइक्लो का। अब साइक्लो में क्या लगा है? 2 कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों क्या हो गए? मिथाइल। लिख दीजिए, ऐसा भी होगा, इसे भी लंबे लंबे खींचे जा सकते हैं, जैसे गिनिए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेन। इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए, अब भाई ये तो डबल बॉन्ड है, कहाँ लगा है? 1 नंबर पे, तो गिनती तो इधर से करनी पड़ेगी, इधर से गिनेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? 3 नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, पेंटेन है, नहीं डबल बॉन्ड है, 1 पेंटीन। इसका नाम हो गया 1 पेंटीन। ये भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड रिप्लेस कर जाए और यहाँ लग जाए, तब तो गिनती फिर यही ठीक रहेगा। यहाँ से करेंगे तो तीसरे पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे तो दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। लेकिन जैसे ही
इसको जैसा कि बना यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए तब तो गिनती इधर से करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो तीसरे पर है, इधर से करेंगे तो दूसरे पर है, तो गिनती इधर से होगी। ऐसा नहीं है कि यही तक सीमित है, ये भी हो सकता है कि इसमें इसमें और भी फंक्शनल ग्रुप लगे हों, हो सकता है क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इधर से गिनेंगे तो नाइट्रो कहाँ जाएगा, एक दो तीन चार पे, इधर से गिने तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिला, दो पे, तो इधर से गिनती कर लेंगे, छः हो गए। अब सबसे पहले किसको लिखें, ब्रोमो को, वो नियम तो लागू सब होगा इसी पे, इस पर भी होगा, टू ब्रोमो टू क्लोरो थ्री नाइट्रो और छः कार्बन का हेक्सेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिन लेते और लिख देते, क्लियर, लिख सकते हैं। अब लंबे चेन का एक और तमाशा देखें आप, इसे देखिए, इसका नाम क्या है, इस पे दिमाग लगाते हैं। तो भाई लंबा चेन तो गिनना ही है, कार्बन बराबर होने चाहिए, कार्बन अधिक होना चाहिए, इसका नाम भी लिखना है, यह भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यह भी पता है कि प्रत्येक टर्निंग और क्रॉसिंग पे कार्बन है, प्रत्येक एंड पॉइंट पे कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा। देखिए एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, अब क्या होगा, गिनती करते हैं, एक दो तीन चार पाँच है, नीचे चले गए, एक दो तीन चार पाँच है, ऐसे नीचे चले गए, एक दो तीन चार पाँच है, यहाँ से शुरू कर दिए, एक दो तीन चार पाँच है, सब तरफ से बराबर है, तो कोई एक चेन पकड़ लीजिए आप, इसी को पकड़ लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, तीन पर कितने कार्बन निकले हुए हैं, दो, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथाइल, तो दो कार्बन तो ऊपर भी निकला है, फिर इथाइल, तो दो इथाइल हो गए तीन पर, एक ऊपर और एक नीचे, तो इधर से कर रहे हैं तो तीन पर दो इथाइल है, अगर इधर से करता गिनती तो भी तीन ही पर इथाइल आता, इधर से करते तो फिर तीन पर इधर इथाइल, इधर इथाइल, बात बराबर, तो थ्री थ्री डाई इथाइल पेंटेन, लिख सकते हैं, ये सब उलझन नहीं है, केवल आपको लंबा चेन चुनना है और लिखना है। ऐसा भी होता है, ऐसे और भी मिल सकते हैं आपको, कि कभी कभी देखिए यहाँ पे छः कार्बन लगा दिए गए और दो ही फंक्शनल ग्रुप लगाया गया, देखिए एक ब्रोमो और एक इमिनो, इस तरह का कोई और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो अब आप सोचेंगे गिनती कहाँ से करें, तो बेहतर है कि हम फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि ए बी सी डी में जिसका नाम पहले है उसको पहले लिखना है, तो क्यों ना हम गिनती इधर से शुरू करें, इसको भी कम अंक मिल जाए, इसको पहले लिखते भी और इसको कम अंक मिल भी जाए, तो गिनती इधर से करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से भी स्टार्ट है, लेकिन ए बी सी डी का जो पालन करते थे वो तो दूर हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, फायदा बढ़ जाएगा आपका, मुनाफा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ शो होगा। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे तो गलत होगा, तो उधर से गिन लें, तो फिर आइए एक दो तीन चार पाँच छ, पहले एमिनो लिख दें, सिक्स ब्रोमो और हेक्सेन, एक और परेशानी हो सकती है उसको भी देख लें, जैसे
6 कार्बन है। अब क्या करें, फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। अब सोचते हैं कि कहां से गिनती करें, तो ऐसे स्थिति में काम करते हैं। हालांकि इनसे आपकी जरूरत, आपका कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन सीख लें कि इधर से गिनते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सारे फंक्शनल ग्रुपों का नंबर देंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और देखें किधर से कम अंक मिलता है, सबका जोग कितना कम आता है, जिधर से कम है उधर से गिनेंगे। जैसे देखिए इधर से गिना, एक पर ब्रोमो है 1, दो पर नाइट्रो है 2, फिर दो पर क्लोरो है 2, फिर ब्रोमो है 3 पर 3, 4 पर मिथाइल है, 5 पर नाइट्रो है, और 6 पर दो ग्रुप लगे हुए हैं। कन्फ्यूजन था इसलिए कि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप थे, जोड़ते हैं इसको, 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 4, 12, 5, 17, 29 आ गए। अब जरा राइट टू लेफ्ट चलते हैं, एक पर एक फंक्शनल ग्रुप है, एक पर एक और है, 2 पर एक है, 3 पर एक है, 4 पर एक है, 5 पर 2 है, और 6 पर एक है। अब जोड़ लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 4, 11, 5, 11, 10, 21, 6, 27, कम किधर से, उधर से, तो गिनती उधर से कर लेंगे और नाम लिख देंगे फिर। लेकिन उस रूल का तो पालन जरूर करेंगे कि ए बी सी डी के अनुसार, ए बी सी डी में जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, संख्या के साथ लिखेंगे। अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो ट्राई लगाएंगे, तीन तीन फंक्शनल ग्रुप मिले तो ट्राई लगाएंगे, और लास्ट में पेरेंटल किन का नाम लिख देंगे। हाँ, अगर इसके साथ डबल बॉन्ड दिखाई देता है तब तो डबल बॉन्ड को कम अंक जरूर देंगे और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको नोट करें। हाँ, तो लिखते हैं। अब बताएं इसमें से सबसे पहले किसको लिखें, ब्रोमो को लिख दें, कितने पर है, एक एक पर है, अब तो सुनिश्चित हो गया इधर से गिनना है, एक पर, चार पर, छः पर, 1, 4, 6 ट्राई ब्रोमो। अब क्लोरो लिखा जाए, एक 5 पर है, एक एक पर है, 1, 5 डाई क्लोरो। अब कौन सा, मिथाइल और नाइट्रो, तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, एम, तो 3 पर एक ही मिथाइल है, दूसरा नहीं है, 3 मिथाइल, और नाइट्रो ग्रुप्स 2 हैं, 2 और 5 पर 2, 5 डाई नाइट्रो, और 6 कार्बन का हेक्सेन। हालांकि ये सीखने के लिए दिया गया है, इस तरह का आता नहीं है और इतना बड़े कंपाउंड्स होते नहीं हैं, बनाना भी कठिन है, बनते भी नहीं हैं, यूज भी नहीं है और है भी नहीं। लेकिन नोमेनक्लेचर सीखना हो तो हर कॉम्प्लिकेशन से जुड़ना होगा कि कहां कहां परेशानी आ सकता है, उसको कैसे डील किया जाए। ठीक है, तो देखें इसको, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।